हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पाने के लिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो ऑल वोकेशनल कोर्स में आप लोगों को एडमिशन करवा लिए हैं उसके सिलेबस के बारे में। जैसे इसमें आ गया आपको BBM, BSc, BCA, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लीस मिलीस और ऐसे दोस्तों बहुत सारे कोर्स इसके अंदर में आते हैं जिसका आपको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग एडमिशन ले चुके हैं तो आप लोग सिलेबस में कैसे पढ़ेंगे, किस अनुसार किताब खरीदेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का मैंने वीडियो कवर किया है ताकि यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था मेरे एजुकेशनल पॉइंट के इंस्टाग्राम चैनल पर कि सर प्लीज़ हमें सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दीजिए। बस उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैंने सिलेबस को प्रोवाइड कर दिया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं धीरे धीरे जानूंगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑल वोकेशनल कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में। और दोस्तों इसमें मैं आपको पीजी कोर्स मतलब जो पीजी वोकेशनल के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, वल्ली मैं यूजी वोकेशनल के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आपको एक काम करनी है, आपको मैं नीचे एक लिंक दे दिया हूँ, एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक पर क्लिक कीजिए। वो दोस्तों मेरा वेबसाइट है, वहाँ आपको जानी है और डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर आपको आ जानी है। आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मेरी वेबसाइट पर, ठीक है। अगर दोस्तों मेरी वेबसाइट आप वहाँ से आप नहीं जा पा रहे हो तो आप जाकर गूगल में जो गूगल खोलते हो, गूगल में बस आपको सर्च कर लेनी है एजुकेशनल पॉइंट ब्लॉक स्पोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको सर्च कर लेनी है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप लिखो एजुकेशनल पॉइंट, ठीक है, उसका दोस्तों आप ब्लॉक स्पोर्ट लिख कर आप यहाँ पर सर्च बटन सर्च कर दो। बस आपको ये नीचे वाली जो लिंक मिलेगी वो दोस्तों मेरा ही होगी। यहाँ पर ये वाली देखो आपको लिंक मिल जाएगी, इसका मेरा किताब का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो उस पर क्लिक कर लेनी है। ऐसे क्लिक करोगे आप मेरे वेबसाइट पर आ जाओगे दोस्तों। और आने के बाद यहाँ फर्स्ट जो वीडियो आप जो देख रहे हो, फर्स्ट प्रोवाइड जिसमें लिखा हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑल वोकेशनल कोर्स सिलेबस एजुकेशनल पॉइंट, इस पर दोस्तों क्लिक कर लो, कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर दोस्तों आ जाओगे और यहाँ पर आकर आप लोग मेरे सभी कोर्स जो जो आपको लिए हुए हैं, मान लीजिए दोस्तों आप अगर BBM लिए हुए हैं या फिर BCA BSc कर रहे हो या BCA कर रहे हो, सभी का यहाँ पर आपको अवेलेबल दोस्तों मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी का है, ब्लीस का है, मिलीस का है, सिलेबस इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का भी आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। बस आपको क्लिक दोस्तों करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ BBM के सिलेबस से कि BBM फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना पड़ता। थोड़ी है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको मैं फुल डिटेल्स में बताऊँगा। तो देखो यहाँ BBM के सामने आपको यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ, बस आपको क्लिक हेयर कर लेनी है। और क्लिक हेयर करने आप डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। एक बीच में थोड़ा ऐड भी आएगा, थोड़ा मैच आप लोग कर लेनी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऐड भी आ सकती है, थोड़ा आप लोग मैच कर लेना। आइए देखो मैं आपको धीरे धीरे शो कर लेता हूँ। शुरुआत से ही दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आप इस यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट आप आ जाओगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है BBM सिलेबस के क्लिक हियर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इस PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और देखिए यहाँ पर जो है सो आपको सभी अवेलेबल BBM में 3 ईयर्स में क्या पढ़नी पड़ेगी आपको। देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर में क्या पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में जो BBM कर रहे हैं कोर्स उनका फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कोर्स पढ़नी पड़ेगी और वो 75 मार्क्स की जो एग्जाम होने वाली है। फिर उनको क्वांटिटेटिव मेथड फर्स्ट पेपर में, उनको 2 ऑनर्स पेपर होगी, उस एक फर्स्ट ऑनर्स पेपर में उनको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें आपको 25 मार्क्स जो बचा वो प्रैक्टिकल होगी, वो क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा में 25 का अलग एग्जाम ली जाएगी, वो आपको कुल मिलाकर 100 मार्क्स की एग्जाम ली जाएगी। फिर दोस्तों सेकेंड पेपर में उनको मैग्नेरियल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी जो 50 मार्क्स की होगी और 50 मार्क्स की उनको बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट ईयर सिलेबस है। इसी तरह तो चाहते हो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिलेबस देखना तो आप आकर खुद से यहाँ पर देख लो, ताकि मुझे अभी जो दोस्तों बहुत सारा वीडियो बनाना है, बहुत सभी बताना है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा इशू लेकर नहीं चलूँगा, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर जितना भी हो सकता है मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ देखो दोस्तों ऑनर्स पेपर में जो है फर्स्ट ईयर का यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैं बताया है जो कि आपको 75 का एग्जाम होगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको डिफिनेशन, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ FW Taylor हैना फेल के बारे में तो पढ़ने पड़ेगा। फिर आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप ऑफ पॉलिसीज, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, उसके बाद तो 4 मिनट डिफिनेशन, एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से तो पढ़नी पड़ेगी। ग्रुप 2 में दोस्तों आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी क्वांटिटी मेथड, इसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम मोड, मेजर ऑफ डिस्पीरिएशन, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई भी इशू इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप बात करिए बुक का, क्योंकि किस बुक से आखिरकार
पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी है उसमें एग्जाम में किस बुक से आती है। तो यहाँ देखो, इस बुक का मैं आपको इतने सारे बुक कहूँगा, इसमें से कोई भी आप एक दो बुक ले लो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाली बुक। इसमें नंबर वन पर आती है, एक बुक आती है मार्केट में मिल जाएगी आपको मैनेजमेंट एनालिसिस की, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट एंड केस, इसमें रहती है। और ये हेप्स एंड मैसिक का राइटर इसमें बुक लिखा हुआ है, अगर आप ये बुक लेते हो तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होगी। सेकेंड बुक मैं आपको प्रीफर करूँगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेने के लिए, ये आपको नॉज एंड ओ डेनाइल की दोस्तों यहाँ पर आती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रही है मेरी वेबसाइट की लिंक, तो आप जाकर एजुकेशनल पॉइंट ब्लॉक स्पॉट सर्च कीजिए गूगल पर, तो आपको थर्ड नंबर प्लेस पर आपको मेरी भी वेबसाइट मिल जाएगी। फिर दोस्तों मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पे भी आपको यहाँ पर प्रज्ञा दीवान का यह बुक आता है, ये आप खरीद सकते हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इतनी सारी दोस्तों बुक आती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रिफेयर करूँगा कि आप जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पक्का लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप ये बुक छोड़कर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीजिए। और दोस्तों इसमें आप लीजिएगा श्याम मुखर्जी का, क्योंकि दोस्तों विदेशी लोगों की किताब यहाँ ज़्यादातर नहीं चलती है, ये श्याम मुखर्जी यहाँ भारतीय थे, उन्होंने बुक लिखा था, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको लेना है तो श्याम मुखर्जी जी का आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, या फिर आर एस देवर जी का। और दोस्तों फंडामेंटल दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल मैथ के लिए, आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स स्टेटिक्स ले जाइए, जो गुप्ता कपूर का आता है, ठीक है। आप चाहे तो बिजनेस स्टेटिक्स भी ले सकते हैं, वो आपकी ऊपर इच्छा है, तो आप जाकर दोस्तों इसको ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, आप चाहते हो बीए बीएससी बीकॉम का सिलेबस बताने के लिए, तो वो भी मैंने वीडियो बना दी है आपको, जो है आप जाके मेरे चैनल पर अगर खोजते हो मतलब कि आपको सही मिल जाएगा, फिर सर्च बॉक्स में सर्च पर करते हो तो भी मिल जाएगी आपको। अगर दोस्तों आपको नहीं मिल रही है तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट वाले लिंक पर, आप देख सकते हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आप जाओगे जैसे मेरे चैनल पर क्लिक करोगे मेरे लोगों पर, आप पहुंच जाओगे मेरे चैनल पर और वहां आपको मिल जाएगी पाटलिपुत्र प्लेलिस्ट, उसमें आप पाटलिपुत्र पर क्लिक करोगे तो आपको सभी सिलेबस मिल जाएगी। खैर मैं इस लाइव सेशन के बाद में उस सभी के लिंक मैं इस बॉक्स में आपको डाल दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते होती है यूट्यूब की, मैं वहां डाल दूंगा। दोस्तों इस तरह से बीबीएन का फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट वन वाले जो है, इस तरह से ये बुक पढ़ सकते हैं, यही बुक मैं उनको बताऊंगा और यही एग्जाम आपको होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे जाके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। अगर दोस्तों डाउनलोड नहीं हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, जो ईमेल आईडी भी आपको इसमें मौसम दी हुई है, वहां से भी ईमेल कर सकते हो। फिर तो बात करते हैं बीएससी आईटी सिलेबस के बारे में, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको बीएससी आईटी सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, और होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप पेपर वन में यहाँ पर आ जाओगे, उसमें देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलप ऑफ कंप्यूटर बनाने में पढ़नी पड़ेगी आपको। यूनिट वन है पूरी की पूरी, आपको हार्डवेयर ही पढ़नी पड़ेगी इसमें, आपको कंप्यूटर की ए टू जेड आपको बिल्कुल बीसीए की तरह ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट में फीचर एंड लिमिनेशन पढ़नी पड़ेगी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको सीपीयू मेमोरी यूनिट एंड आईओ यूनिट पढ़नी पड़ेगी, सीपीयू ऑरिएंटेशन में आपको सीयू एएलयू रजिस्टर, मतलब पूरी की पूरी आपको एक कंप्यूटर बुक ही समझिए, आपको बिल्कुल पार्ट बीसी की तरह पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बीएससी आईटी वाले हैं। फिर दोस्तों यूनिट टू में आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़नी पड़ेगी और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ेगी, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड इंटरप्टर और ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर्स और इंटरप्टर्स भी आती है। अगर दोस्तों मैं फिर से चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो बीए बीएससी बीकॉम का देखना, तो मैं आपको उसका लिंक मैंने इस क्लास के बाद दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट भी आप चेक कराउट कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर बैच प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोसेस मॉनिटर, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, आप जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बेहतर सबसे अच्छी लगी स्क्रीनशॉट भी बहुत अच्छी रहती है पार्ट वन के लिए। ऑनलाइन मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल आपको पढ़नी पड़ेगी बीसीए की तरह। एप्लीकेशन पैकेज में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, अदर यूटिलाइज भी पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको लास्ट कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको उस नॉलेज चाहिए, फिर आपको कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में आपको पार्ट वन में नॉलेज चाहिए, फिर एनालॉग एंड डिजिटल साउंड सिग्नल के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, फिर आपको मॉड्यूलेशन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, फिर ट्रांसमिशन मोड के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो इतने करने के बाद में आप ओनली यूनिट वन कंप्लीट करोगे, तो यूनिट टू में भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्स है। यूनिट टू में पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री एंड फीचर पढ़नी पड़ेगी पूरे कंप्यूटर की, आपको सी लैंग्वेज पूरी पढ़नी पड़ेगी, आईओ क्या होता है, कैसे मैं कंट्रोल करता हूँ, एरो की क्या होता है, फिर आपको सभी से फंक्शन की के बारे में आपको जाननी पड़ेगी, फिर आपको कैसे सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटर में चलते हैं, किस तरह वहाँ पर ब्रेक किया जाता है लाइन को, और साथ ही साथ आपको रेफरेंस के बारे में बहुत अच्छी से आपको ताज़ा जानकारी चाहिए। तो ये दोस्तों ग्रुप बी में आती है। फिर ग्रुप सी के अंदर में आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़नी पड़ेगी, माइक्रो प्रोसेसर फैमिलीज पढ़नी पड़ेगी,
पर्सनल कंप्यूटर बारे में पढ़नी पड़ेगी, IBM क्या होता है, IBM ने किस तरह अपनी कंपनी को बैठाया, फिर आपको 8086 जो आर्किटेक्चर है जो कि इंडिया का फेमस मतलब कि आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करती है, DMA कंट्रोल क्या है, YGA कंट्रोलर क्या है, ठीक है, ये सब के सब मैं बताऊंगा आपको, अर्थमेटिक को प्रोसेसर क्या है, क्लॉक क्या है, सभी आपको नॉलेज यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों पेपर वन आ गए, तो पेपर टू भी काफ़ी कम है, आप किसको कम मत समझ जाए, पेपर टू भी बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको DBMS फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन, DBMS थ्री व्यूज ऑफ DBMS, टाइप्स ऑफ DBMS, RR डायग्राम्स, मतलब कि जो कंप्यूटर जो शुरू होती है, अगर मैं तो CPU शुरू करता हूँ तो CPU शुरू करने के लिए पहले एक यहाँ पर कोना में एक DBMS लगा होता है जो कि पावर सप्लाई करता है और वो कंप्यूटर के उपकरण को जलने से बचाता है, उसको बोलते हैं तो DBMS। और ये DBMS अपने आप को कैसे यहाँ पर प्रूफ करता है, कैसे बचाता है, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि सर आप BSc IT या फिर BCA का फर्स्ट पेपर जो होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन उसकी पूरी क्लास आप करवा दो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं BCA के लिए आप लोग को एक क्लास में एक दो क्लास सप्ताह में आप लोग को ले लिया करूँगा ताकि आप लोग को काफ़ी बेनिफिट दोस्तों हो जाएगी, उसमें आपको BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको धीरे धीरे सभी नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी किताब मौजूद है, मैं आपको धीरे धीरे उसमें बता सकता हूँ, तो बस आप लोग कमेंट करनी है नीचे इस पर लाइव सेशन में, कमेंट आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग जो सब्सक्राइबर जब मतलब कि जब ये हो जाएगा खत्म हो जाएगा लाइव सेशन उसका कमेंट उसमें कमेंट करते हैं तो काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगी, मैं आप लोग क्लास यहाँ पर शुरू करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेशन पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत सारी ये दोस्तों आपको हो गई BSc IT की। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपको BSc IT सबसे अधिक सिलेबस है, BCS से अगर किसी अधिक सिलेबस है तो आपको BSc IT अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही अधिक सिलेबस है, तो BSc IT करना आसान नहीं है। अब दोस्तों लास्ट ऑफ लास्ट बात करते हैं BCS सिलेबस के बारे में, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप BCS लेवल थोड़ा बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ BCS लेवल के बारे में। देखिए मैं आप इस चीज़ में मैं सुबह से ही लगा हुआ था ताकि मैं सुबह से ही मैं आप लोग को नॉलेज दे दिया करूँ ताकि आप लोग भी हमेशा यहाँ पर घूमते फिरते रहते हो ताकि आप लोग को नॉलेज हमेशा मिलते हैं। चलिए तो अब बात करता हूँ दोस्तों BCS सिलेबस के बारे में। दोस्तों BCS जो है आपको 3 ईयर्स का वोकेशनल ऑनर्स डिग्री है, ठीक है, तो आइए मैं दोस्तों थोड़ा सा बात यहाँ पर कर लेता हूँ। दोस्तों BCA में ऑनर्स में फर्स्ट पेपर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसमें तो सुन लीजिए आपको 75 मार्क्स का थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा। अब आप लोग सोचोगे सर इसमें प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि आप जब थ्योरी पेपर दे दोगे उसमें 75 मार्क्स आप लिख के आ जाओगे तो फिर आपको कोई सर या फिर कोई मैडम होगी वो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगी, उस क्वेश्चन में आपको पेपर पार्ट वन से कोई भी बुक से सिर्फ मैथ छोड़कर कोई भी बुक से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कंप्यूटर में पूछ देंगे कि ट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्री, कंप्यूटर में ट्री कैसे यूज करते हैं, या फिर दोस्तों कंप्यूटर में आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं उस हार्डवेयर को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, DVS में से क्या यूज होता है, इस टाइप का जो कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूंगा जब आप लोग एग्जाम होगी तो कुछ बेसिक क्वेश्चन ताकि आप लोग को 25 में 25 आ जाए, वैसा क्वेश्चन उसमें पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछी जा सकती है कि क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनती है, ठीक है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है। दोस्तों सुन लीजिए आपको जो है इसमें दो ग्रुप में आपको BCS सिलेबस में आपको जो है पार्ट वन में आपको दो ग्रुप में यहाँ पर बांट दिया गया है, उस दो ग्रुप में नंबर वन है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो दोस्तों मेरी जो वीडियो आपको आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो बहुत जल्द आने वाली है, व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में, तो मैं आपको ये वाली चैप्टर जो है आपको 1 से 2 दिन के अंदर में ये पूरी चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लोग पार्ट वन पढ़नी है आप लोग को, फिर कैरेक्टर क्या होता है कंप्यूटर का, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको मतलब ग्रुप ए में पढ़नी है आपको। उसमें दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, पूरी हिस्ट्री कैसे बना कैसे नहीं बना, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर्स का संस्था क्या है, कहां कहां ये कैसे कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, ये आपको यहां पर पढ़ लेनी पड़ेगी। फिर दोस्तों यहां पर जो है आपको यहां पर पढ़ लेनी है आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, प्रिंटर किस तरह वर्क करती है, तो ये आपको पूरी की पूरी यहाँ पर प्रिंटर के बारे में पढ़ लेनी है। प्रिंटर दोस्तों बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल्स करेगी आपको, क्योंकि प्रिंटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी, फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं पाती पड़ेगी कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, बाइनरी डिजिट क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे चेंज करते हैं, तो इसके ऊपर में जो क्लास मेरी बहुत जल्द आने वाली है। फिर दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ग्रुप ए के अंदर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है कैसे है पूरी आपको पूरी एक बुक है इसके ऊपर में वो पढ़नी पड़ेगी।
फिर दोस्तों प्रोसेसिंग मोड्स क्या है, कैसे काम करता है, यूनिट प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या करेंगे, उसको ऑफलाइन डाटा एंट्री कैसे करेंगे, तो ये पूरी की पूरी आपको मोड जो है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो दोस्तों आप लोग से मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप मेरी क्लास एक भी यहाँ पर गैप मत कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर आप लोग कॉलेज में भी क्लास चलेगी बीसीए का, तो आप उसमें भी गैप मत कीजिएगा। अगर आप लोग गैप करते हो बीसीए क्लास, तो आपको एक भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है, तो आप लोग क्लास रोज मतलब जाना। और दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोग ये क्लास जो है आप लोग की 2019 में 10 तारीख से शुरू होने वाली है, ठीक है। 10 आपको नवंबर से, अक्टूबर से बीत के 10 नवंबर से क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास तो प्लीज़ ज्वाइन करना। अब दोस्तों बात करता हूँ ग्रुप टू के अंदर में, तो ग्रुप टू में क्या पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। यहाँ दोस्तों देखिए नाम बोलने में यहाँ पर सारी गलती हो गई है, लेकिन आप लोग मैच कर लीजिए। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड एसोसिएट कंपोनेंट्स, टाइमर, डिस्प्ले कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोल्स, ये आपको पढ़नी है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईबीएम पीसी इवोल्यूशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन टू 8086 एंड 8088 आर्किटेक्चर, ये पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स एंड कार्ड्स, CISS, RISS टेक्नोलॉजी, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एंड अदर पेरिफेरल्स डिवाइस के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको बूट प्रोसेस के बारे में पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सो फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट पढ़नी है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बैच फाइल्स क्या है, ये आपको ग्रुप टू में पढ़नी है। इसमें मैं बात करूँ दोस्तों ये पेपर, अब दोस्तों बात करता हूँ ग्रुप थ्री के अंदर में, तो ग्रुप थ्री के अंदर में आपको प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल एंड डिजाइन टेक्निक के बारे में पूरी की नॉलेज चाहिए। इसमें आपको लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर ग्रुप फोर में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ, और आप कुछ आपको प्रोग्रामिंग भी करवाई जाएगी। तो उसमें प्रोग्रामिंग करवाने के लिए आपको कंप्यूटर बैठवाया जाएगा और वहाँ पर कहा जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो वो आपको वहाँ करनी पड़ेगी। उसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी चाहिए प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो आप यहाँ पर सबके साथ आप क्लास में करवाई जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपको ऑनर्स पेपर में पेपर टू के बारे में, दो पेपर होते हैं, तो उसमें पेपर वन में बता दिया, पेपर टू में आ जाइए। उसमें 75 मार्क्स का कोई एग्जाम होगी, उसमें आपका प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, DOS क्या है, BIOS क्या है, ये कैसे वर्क करती है, आखिर एक चीप इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कैसे इंटर प्रोसेसर कैसे वर्क किया, इंटर प्रोसेसर में कौन कौन सा वर्सन आया और अभी कौन सा वर्सन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होने वाली है, उसमें ह्यूमन ब्रेन की तरह वो काम कब कैसे करेगी, तो वो सब आपको अपने सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। और ग्रुप टू के अंदर में आपको बिजनेस एप्लीकेशन में भी पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बिजनेस एप्लीकेशन में आपको जितनी विंडोज सॉफ्टवेयर आ चुकी है iOS की, वो पूरी की पूरी दोस्तों आपको नॉलेज यहाँ पर चाहिए। फिर दोस्तों आप बात करता हूँ लास्ट ऑफ लास्ट ग्रुप थ्री के अंदर में, तो ये पेपर टू की है, इसमें आपको एडिटिंग कैसे करेंगे, आखिर कौन कौन सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर निकला हुआ है एडिटिंग करने के लिए, मार्केट में किस टाइप का सॉफ्टवेयर चली हुई है, इसमें आपको किस टाइप का यहाँ पर चेंज कैसे होता है, ब्राउजर में हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, ऑल कमांड के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, फॉक्स प्रो कैसे होती है, फॉक्स प्रो कैसे काम करती है। उसके बाद दोस्तों फॉक्स प्रो के अंदर में आपको इंडेक्स कैसे होंगी, सॉर्टिंग कैसे होगा, प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे, ये सभी के सभी नॉलेज आपको इसमें दोस्तों पढ़नी पड़ेगी। मल्टी लेवल क्यू की क्या होता है, मल्टीपल क्यू क्यों हम लोग वर्क करेंगे, फॉक्स प्रो में हम लोग किस तरह जाएंगे और यहाँ पर कीबोर्ड को मैक्रो एंड फंक्शन के रूप में काम करेंगे, ये सब दोस्तों आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। आप दोस्तों लास्ट ऑफ लास्ट में बात करूं दोस्तों, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको लिया जाएगा, उसके अंदर में आपको यहाँ पर विंडोज़ के बारे में कुछ नॉलेज आपको चाहिए, इतने सारे आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी आपको फर्स्ट पार्ट में। और दोस्तों इसके लिए बुक भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पार्ट वन के लिए अगर पेपर पढ़नी है, तो आप जाकर मार्केट में बोलिएगा दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देने के लिए, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक बुक आती है नाम की, वो आपको ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर खरीदनी पड़ेगी वो बुक। वो बुक काफ़ी आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बुक है। आपको करीब करीब आपको 300 या 400 रुपये पड़ेगी, 300 से 400। लेकिन दोस्तों मैं आपको मतलब कि आपको सच्चाई बताओ तो कभी भी दोस्तों आप हिंदी में कंप्यूटर का मत पढ़ना। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो एक तो हिंदी इसमें अवेलेबल है ही नहीं, और कोशिश ही मत करना हिंदी में पढ़ने, क्योंकि हिंदी में पढ़ोगे तो आपको भेजा से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि बीसीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश में ही पढ़ने वाली है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर मतलब इंग्लिश में ही लेना। अब दोस्तों लास्ट ऑफ लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेबस, जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी बारे में है, ठीक है। तो मैं आपको जितनी भी सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूँ, इसमें आपको यहाँ पर आप बात करता हूँ दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी बारे में, बायोटेक्नोलॉजी बारे में क्या पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं।
दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं उनको सुन लीजिए, ये बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है, इसमें आपको पार्ट वन में कैसे पढ़नी है, उसमें आपको 25 मार्क्स की एग्जाम होगी, उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले में बायोकेमिस्ट्री भी अलग अलग यहाँ पर अलग अलग बांटी गई है, एक में आपको बायोकेमिस्ट्री है फिर दूसरे में कुछ और है। दोस्तों जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में बायोकेमिस्ट्री लिए हैं उनके अंदर में इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल के बारे में आपको जाननी पड़ेगी, फिर आपको ब्रीफ मेंशन ऑफ वेरियस माइक्रो एंड मैक्रो बायोकेमिकल्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, फिर आपको मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड एंड जनरेशन ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी के बारे में इस सब के साथ दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व कैसे होती है, द सिंगल मॉलिक्यूल्स कैसे काम करती है, एंजाइम क्या होता है, ये सब के सब आपको बिल्कुल केमिस्ट्री जो होती है पढ़ते हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर दोस्तों आपको सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, इसमें सेल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम द सेल थ्योरी, आपको यहाँ पर बहुत सारे बुक यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप दोस्तों यहाँ पर बुक भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जाकर मेरी वेबसाइट से भी इसको आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ देखो आपको बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें बैक्टीरिया क्या होता है, आपका यूकेरियोट कैसे काम करती है, सेल टिश्यू क्या होता है, ऑर्गेन क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो आप इसको दोस्तों प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहता हूँ करना, आप तो देख लो। उसमें दोस्तों आप आ सकते हो माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में, तो माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स में यहाँ देखो ये कोर्स है, इसमें आपको माइक्रोकॉप्सी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टेबलाइजेशन, बैक्टीरिया फंक्शन, सेल सरफेस, मतलब पूरी की पूरी आपको बायोलॉजी 12th वाली उठाकर उसमें कुछ थोड़ा सा इंप्रूव कर आपको यूकेलिप्टस के बारे में थोड़ी बहुत पढ़नी है, बैक्टीरिया कैसे काम करता है वो सब पूरी की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, तो बात करता हूँ पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू के बारे में आप लोग को यहाँ पर जो है यहाँ पर सेम पूछी जाएगी, पेपर टू के अंदर में 75 मार्क्स एग्जाम होगा, उसमें आपको जीएनटी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको 24 मार्क्स एग्जाम मिल जाएगी, उसके अंदर डीएनए क्या होती है, आरएनए क्या होती है, कैसे वर्क करती है, डीएनए में क्या क्या होता है, आपको यहाँ पर फिर मेंशंस कैसे करती है। यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे हैं, इनका नाम है सिया सुमन जी, उन्होंने पूछा है सर आरकेडी बिजनेस कॉलेज में सेम सिलेबस होगा। देखो भाई यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि आरकेडी बिजनेस कॉलेज एक आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसमें भी सिलेबस सेम हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ अपना कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस रखा है तो वो उनके ऊपर में है, तो आप लोग वहाँ जाकर पता कर लो। लेकिन दोस्तों अभी तक तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जो भी एफिलेटेड कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्र से जुड़े हुए हैं उन सब सिलेबस सेम रहेगा, उसमें कोई भी वहाँ पर इशू वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जो भी कॉलेज जो है सो एफिलेटेड है, जो मान्यता लिए हुए हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, उन सब सिलेबस सेम रहेगी। तो ये आपको यहाँ पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में, तो आप लोग देख लो। फिर दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी वाले उनको एक पेपर आपको जो है मैथ एंड कंप्यूटर का भी है, उसमें 35 मार्क्स का एग्जाम दी जाएगी, उसके अंदर आपको सेट थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, लाइनर एंड जियोमेट्रिकल फंक्शन पढ़नी है, द बायनोमियल थ्योरम पढ़नी है, लॉगरिथम पढ़नी है, डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़नी है, तो आपको 35 मार्क्स की एग्जाम मिल जाएगी, उसमें आपको एक पेपर मैथ भी है, यहाँ आप लोग देख लो। फिर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 50 मार्क्स का होने वाली है प्रैक्टिकल पेपर, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लो प्रैक्टिकल पेपर आपको शुगर कैसे काम करती है, शुगर बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या होती है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछी जाएगी डीएनए से आरएनए से, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिकल पेपर है, इसके अंदर में आपको एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है, कैसे काम करती है एंजाइम, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग पता चल जाए। फिर दोस्तों माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक क्या करती है, ये सब आपको यहाँ पढ़नी है, और मेरे ख्याल से मैं आपको हमसे अच्छा समझा सकता है, आप जाकर जो है इस लोगों को आपको मतलब करनी है आप लोगों को, तो जाकर दोस्तों आप लोग मेरे वेबसाइट से इसका आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो स्टूडेंट जो इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, उन लोगों जो स्टूडेंट हैं उन लोग को आप लोग को एक महीना जो है 1 मंथ आपको जॉब ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी किसी क्लिनिक में, मतलब अगर आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों तो आपको 1 महीना का जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, क्योंकि किसी क्लिनिक में लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ उसके तैयार रहिए, क्योंकि क्लिनिक में आपको बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको क्लिनिक में 1 महीना आप लोग यहाँ पर कोर्स कर लीजिए, ताकि आप लोग का यहाँ पर मतलब पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने बोटनिक जो है आप बात कर रहे हैं पीजी में बोटनी क्लास, ठीक है, क्या नाम है असत्या कुमारी जी, मैंने ये वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में मेरे मैंने बना दी है, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर वहाँ क्लिक करो आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर वहाँ से देख लो। ठीक है, हाँ अरविंद जी पूछ रहे हैं सर थर्ड लिस्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, देखो दिक्कत यहाँ पर यह है कि फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट ये दोनों में अभी एडमिशन शुरू है, और जहाँ एडमिशन शुरू हो गई है
और दोनों मेडिसिन शुरू हो, जो फर्स्ट मेडिटेशन मेडिसिन नहीं लिए हैं या फिर सेकंड मेडिसिन, उन लोगों को पहले मैस कर लिया गया है, उसके बाद कितना सीट बचेगा, ठीक है, कितना सीट है अभी, कितना सीट बचेगा, उसके अनुसार फिर से एक अलग प्रीव्यू निकलेगा और उसके बाद आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। आप लोग से मैं यही बताऊंगा कि आप लोग जो थर्ड जो एडमिशन के लिए जा कर रहे हैं बीसीए उसी के लिए, तो आप लोग रेगुलर चेक करते रहिए, कभी भी आप लोगों का वहाँ पर ऑफर राउंड हो जाएगा, तो आप 3 से 4 दिन के अंदर में आप लोग की ऑफर लेटर भी आ जाएगी, ठीक है, मेरे ख्याल से बीपी शुक्र तक, तो आप लोग प्लीज रेगुलर चेक करते रहिए। आप दोस्तों लास्ट वाला बात करने वाले हैं हम लोग सिलेबस ब्लीस के लिए, ब्लीस सिलेबस क्या है, ब्लीस भी दोस्तों बहुत विद्यार्थी करते हैं, दोस्तों बता बात करता हूँ ब्लीस के लिए, दोस्तों ब्लीस में भी बहुत सारे पढ़ना है, यहाँ ब्लीस में देख लो, आप एक बार देख लो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको यार लंबा वीडियो नहीं करूँगा, आप लोग जाकर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। दोस्तों अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल से मैं आपको बता सकता हूँ, ईमेल है kk.roshankumarjha363@gmail.com, आपको मैं नीचे भी उसका लिंक मैं दे दिया हूँ अपने ईमेल का, तो ईमेल भी कर सकते हो, कोई भी उसमें इशू नहीं है। दोस्तों लेता हूँ विदा साथ में, गुड बाय। अगर आप लोग नए मेंबर्स हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोग चाहते हो किसी चीज़ की क्लास आए, सर बीसीए क्लास ले आइए, चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, आज शाम तक या फिर कल इस सप्ताह मैं क्लास ले आऊँगा, नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों गुड बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जय हिंद जय भारत।